ओ जेठानी बारो एड़े नी तो सब बारो एड़े उन्हें आंगन में भले ही दीवार नहीं है सरक भी नहीं है कहीं बाटा भी नहीं कर रहा पर 80 जनों कोई कारीगर ने सूद बांधी हो देखा मजाल देरानी अड़ी का आंगन को देखा कहीं थोड़ा बहुत बारो इट जावे और फिर विचार करो कि मूर्ति बोले मुंह तो अंदाज नहीं दिखे हो। प्रेम जहां है कबीर साहब कह रहे प्रेम का पंथ निराला बिरला कोई जाने प्रेम का परमात्मा है जहां प्रेम है वही भक्ति और जहां भक्ति है वही भगवान है बोले भगवान माता बोली जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। और सीता जी को बड़ा आनंद आया प्रसन्न हो गई सखियों के साथ घर आती हैं रात्रि पूर्ण हुई सुबह का सूर्योदय हुआ देश विदेश के राजा महाराजा सीता जी के स्वयंवर में विराजमान हैं अपने अपने सिंहासन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल एक विशाल मंच पर राम राघवेंद्र सरकार गोरे ठाकुर लखनलाल अपने गुरुदेव के साथ विराजमान है और राजा जनक के बंदी जन बोले बोले बंदी वचन बरु सुनऊ सकल महिपाल और प्रण जनक का कहे हम बुझा उठाई विषम कि जो डोरी चढ़ाएगा धनुष पर उसी के गले में भगवती जान की माला डालेंगे उसके जय जयकार होगी और जनक जी के वो दामाद होंगे और सीता जी के वो पति होंगे। अब जो ज्ञानी और संत प्रवर राजा आए थे वो तो बड़े मौन बैठे बढ़िया आनंद लेने आए थे वो दर्शन करने आए थे केवल और स्वार्थी राजा तो मूंछ पे ताव देने लगे के बस धनुष पर डोरी हम ही चढ़ाएंगे दूसरा कोई चढ़ा नहीं सकता अभिमानी और अभिमानी कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता है हो ध्यान देना अभिमानी कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता उनके गेले दो दो आदमी एक एक राजा गेले दो दो आदमी भी समोसा खानिया ने उनकी बड़ाई करनी अरे साहब कहीं पूछो पलान की अन्ने कई डेलनपुर का बांध बांध दिया है अन्ने धनुष कहा लागे इनकी लेन में देहताओं ने देहताओं ने देहताओं ने जो राजा उठे और धनुष के पास जावे लेकिन पास ही पहुंच सकता है केवल लेकिन स्पर्श नहीं कर सके
क्योंकि धनुष में इतनी प्रभुता थी और उसमें इतना प्रकाश प्रभाव तेज था कि उसके पास नजदीक नहीं जा सके और दूर से चमक में वहीं पछाड़ खावे ने भी गेले रे भी उठावे कि घबराओ मत, डोरी आप ही चढ़ाता धनुष पे, पर वो तो आपको पांव फिसल गयो। अगर आपको पांव नहीं फिसल तो नहीं तो तम थोड़ी पड़ता, डोरी तम ही चढ़ाता। पर कोई बात नहीं, देखा दूसरी भगत नंबर आगो ध्यान रखा। बाबा जी लिख रहे भूपे सहस दस एक धनुष को उठाने के लिए, तो धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए कितने कितने राजा उठे एकदम? 10,000। अब 10,000 राजा उठे तो हाथ कतरा हो, 20,000, तो फिर धनुष कितना बड़ा, धनुष मंच कितना बड़ा, सीता स्वयंवर कितना बड़ा। तो ऐसा नहीं हुआ श्रीमान, 10,000 राजा एक एक करके अपना बल अजमा चुके लेकिन कोई डोरी नहीं चढ़ा सका। बोलो नारायण हरि। और बाद में राम जी को कहा गुरुदेव ने, कब? जब जनक जी ने कह दिया कि तजव आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वेदे ही विवाह, चले जाइए अपने अपने घर, लगता है मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने इसके भाग्य में लिखा ही नहीं, जाइए, लगता है आज धरती पर कोई सूरवीर नहीं। तो जन के थोड़ा बहुत माजनो धोनी उनने तो जोड़ा तोक लिया, क्योंकि जेका घरे आया नहीं, अपन उनने ही कह दी कि जाओ आज छोड़ दो ना, जाओ तो फिर अपनो फर्ज कहीं बने, चाल करना चाहिए। नक्टा पढ़ने से बैठे रहो तो बना माजना से तो कहीं को कहीं फिर बैठ बोल। पर जनक स्वयं कह रहे, देख लीजिए बाबा, तजम आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वेदे ही, जाइए। तो जनक के थोड़ी बहुत लाज शर्म थी, नहीं भी उठ के खड़ा हो के चलो अब गणे बैठ वाला सीखी के लो उठो, माजना को सवाल खड़ो हो रही है, अपन जेका घरे आया था उनने कह दी कि जाओ तजाओ आस आस छोड़ दो ने, जाओ अपना अपना घरे। उनने की गलका मत करो, तुम्हारे जानो तो तुम जाओ, हम नहीं जाऊंगे। स्वार्थी राजा कह रहे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कि डोरी हमसे नहीं चढ़ी तो फाइनल कोई से भी नहीं चढ़ेगी, और जब कोई से नहीं चढ़ेगी तो सीता कोई कुंवारी रहेगी। गुरु जी कहेगा कि जनक जी अपनी बेटी का हाथ में माला दे दो और राजा महाराजाओं में घुमा दो, जिसको पसंद करेगी। तो कहीं भले नकटाई से बैठो, मौका है कहती हो मैं अपना नंबर आ जा माला में। तो स्वार्थी राजा ये विचार कर रहे हैं कि शायद उसमें हमारा नंबर आ जाए, ठीक है। और बाद में गुरुदेव ने राम जी को इशारा किया, उठव राम बन जाऊं भव चापा, मेटव तात जनक परितापा।
विश्वामित्र जी का आदेश मिला और राम राघवेंद्र सरकार करुणा निदान भक्तवत्सल भगवान धनुष की ओर गए और धनुष का कब उठाया, कब डोरी चढ़ाई और कब धनुष का खंड हो गया कोई नहीं देख सका। ले तो उठावत खेचत गाड़े और काहू ना लखा देख सब ठाड़े, कोई नहीं देख सका। बिजली की चमक आई और धनुष पर डोरी चढ़ी और धनुष टूट गया तीन टुकड़े। जय जयकार हो गई, सीता जी वरमाला लेकर चली सखियों के साथ में राम जी को पिनाने के। सिया प्यारी सुकुमारी धीरे चलो, सिया प्यारी सुकुमारी धीरे चलो, सिया प्यारी हो, सिया प्यारी सुकुमारी धीरे चलो, सुकुमारी सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमारी सखियों के साथ पधारती हैं, भगवान राम के गले में माला धारण कराती हैं। जय जयकार से नवध्वनि गूंज उठी है महाराज, राम जी जी की जय जयकार हो रही, सीता जी की युगल जोड़ी देखकर सब जय जयकार हो रहे। अब सखियों ने कहा जानकी को के प्रणाम करो इनके चरणों में। सीता जी ने की कि मुंह दोख नहीं दूं, तुमको जो कर लू बने पर मुंह दोख नहीं दूं। अरे बोले तुम्हारे पति बन गए, पति परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए, पति तो भगवान है, पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए पति देव को, चलो प्रणाम करो। जानकी ने की तम नहीं जानो, हूं जानू सर, हूं दोख नहीं दूंगा। क्यों?
मैं जानती हूँ इनके चरण की रज में दो तरह की जादूगरी है। कैसी जादूगरी? ये जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देते हैं। सुनी नहीं तुमने, रज उड़ी पत्थर पे पड़ी, सिल्ला पे नारी बन गई। तो मेरे तो हाथ में उंगलियों में वो है अंगूठियां, और अंगूठियों में नग लगे हैं पत्थर के। न कहीं धोख देवा जाऊं, न चरण रज उड़े रण पे सब पे पड़े, और इतनी नारियां बन के तैयार हो जाए तो मेरी सेवा में बंटवारा हो जाए, हूं तो धोख नहीं दू भाई। लेकिन मन बिहंस रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। रघुनाथ जी मनी मन हंसने लगे, अलौकिक प्रीति देख कर जानकी की। और महाराज मातेश्वरी भगवती जानकी प्रणाम करे, उसके पहले तो लक्ष्मण जी दौड़ कर आए और प्रणाम, फिर जानकी प्रणाम करे, फिर सबने मिलकर गुरु जी को प्रणाम किया। अब अभिमानी राजा लोग बैठे हुए, उनने की का हमने तमार से की थी नहीं कि जेका करे आया, अपन उनने कह दी के जाओ तो अपनो धर्म तो चाल बाको, पर तमने की का माला में अपनो नंबर आवेगो। तो माला तो नहीं आई, परशुराम जी जरूर आया। अब बोलो फरसा को नंबर आयो, गला में माला नहीं आई, गला में फरसो आयो परशुराम जी को, कहीं विचार है तुम्हारो और बैठोगा? उनने की अब इतना रुको, अब यहां से किसी तरह निकलने का करो। आखिर परशुराम जी के चरणों में सबने प्रणाम किया। राम राघवेंद्र सरकार और बाद में उन्होंने धनुष को देखा तो नाराज हो गए, पूछा किसने तोड़ा? तो राम जी खड़े हो गए कि ये आपका सेवक है, कि सेवक ऐसा काम नहीं करता। तो कथा बड़ी विस्तार से महाराज, राम कथा तो जितनी बोलो उतनी कम है महाराज, फिर भी विश्वामित्र जी महाराज की कृपा से राम राघवेंद्र सरकार भगवती जानकी भक्ति का मिलन हुआ। और भाई ये वैसे ही समागम के माध्यम से ठंडी का मौसम भयंकर, आंगन की तो सूजी नहीं पड़ रही के है कि नहीं अपने, फिर भी लगभग समय हो गया है, 11 बज चुके हैं। और भाई ये एक सुंदर भजन के साथ आप हम सब आनंद लेंगे, बाद में बाबाणी को विराम दूंगा, आरती होगी। मर ज्ञान चकोड़ो देवा देवा।